अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद मेरे भाइयों। मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा खादरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, 20 फरवरी यानी कि 20 फरवरी और थर्सडे जुमेरात का दिन है आज। और इस वक्त मैं फलकनुमा आई हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं बेवा आंटी रहती हैं। इनके कोई औलाद नहीं है, इनको सिर्फ एक बेटी है, जो बेटी की शादी हो चुकी है और इनको कोई बेटा नहीं है। ये अकेली रहती है, ये एक कमरे की जिंदगी करती है। ये किराए का कमरा है इनका, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूरी इन्वेस्टिगेशन में कर चुकी है। आंटी का राशन कार्ड आप देख सकते हैं। इस वक्त आंटी बहुत बीमार है और इनके शोहर का डेथ सर्टिफिकेट भी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। ये आंटी का आधार कार्ड और ये आंटी के दवाइयों की चिट्ठी है। ये आंटी को बीपी है, शुगर है और कैल्शियम की कमी है, जिसकी वजह से ज्यादा ठहर भी नहीं सकती, ज्यादा चल नहीं सकती। इस वक्त आंटी बहुत बीमार है, इनके पास आप देख सकते हैं खाने के लिए दवाइयां भी नहीं है आंटी के पास। और पिछले दो दिन से आंटी मुझे कॉल कर रही थी कि बेटे मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी दवाइयां भी खत्म हो चुकी है, मेरे पास खाने के लिए राशन भी नहीं है। ये एक कमरे की जिंदगी आप देख सकते हैं। इस वक्त इनके पास राशन भी नहीं है, यहीं पर ये पकाती हैं, एक ही कमरे में पकाती हैं, यहीं पर रहती हैं। और ये जो तख्त आपको नजर आ रहा है, बस ये तख्त पे यहीं पर सोना, यहीं पर नमाज पढ़ना, कुरान शरीफ की तिलावत करती हैं रोज अपना अपन। ये बस आंटी चाहती है कि इनको राशन और दवाइयों की जरूरत है। आंटी की जो दवाइयां हैं, 2 महीने की दवाइयां इनकी 3000 रुपए की होती है। 3 महीने में इनको 2 महीने की दवाइयां आ जाएगी। और 2 महीने के 2000 रुपए का जो राशन होता है, 1 महीने का राशन आंटी को 2 महीने चलता है। जैसे कि एक चावल का थैला, एक आटे के पैकेट, तेल वगैरह जो होता है, अकेले है आंटी तो इनको 2 महीने तक वो राशन चलता है। तो आंटी चाहती है कि इनको दवाइयों के लिए और राशन के लिए मदद चाहिए, इनका कोई सहारा नहीं है। इस वक्त आप देख सकते हैं बहुत तबियत खराब है, पूरे पसीने जा रहे हैं आंटी को, बेचारों को बहुत तकलीफ में है। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जैसे हो सके इनके लिए मदद करिए, 1000, 2000, 3000 करके मदद दे सकते हैं, या फिर आप लोग 1 महीने का राशन दिला सकते हैं, या फिर इनके लिए दवाइयों के लिए मदद दे सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट भी आकर दवाइयां दिला सकते हैं। या देखिए पूरे पत्ते दवाइयों के जो आंटी को कल से, तो बस एक आज की दवाइयां हैं इनके पास, बस एक दो गोलियां इनके पास पत्तों में है। तो बस ये आंटी चाहती है कि जल्द से जल्द इनको दवाइयों की मदद दीजिए और साथ में राशन की भी मदद होना है। टोटल आंटी को 5000 रुपए की मदद की जरूरत है। आप आंटी अस्सलाम वालेकुम, मुझे बहुत बहुत मेरी मदद कीजिए। मेरे बच्ची या बच्ची है जहाँ इन्होंने मैडम मेरी मदद करते हैं। 6 महीने से मैं इनके पास जाती हूँ, हर महीना मेरे को कुछ ना कुछ देते रहते हैं, मेरी मदद करते हैं। आप लोग मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी हालत अच्छी नहीं है, मैं बहुत कमजोर, मेरा कोई नहीं है। अल्लाह के वास्ते आप हमारी मदद कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूंगी। आंटी मैं दुआ करूंगी। 5 वक्त नमाज पढ़ती है, ये तहज्जुद की नमाज पढ़ती हैं और साथ ही में कुरान शरीफ की तिलावत करती हैं। आंटी बस ये चाहती हूँ कि मैं अगर आप इनके लिए मदद करेंगे तो बराबर उनकी दुआ आपको लगती रहेगी और ये बराबर आपके हक में दुआ करेंगे, क्योंकि इनको बेटा नहीं है। सबसे बड़ी चीज की एक बेटी है, शादी हो गई, एक बेटी है इनकी जिसकी शादी हो चुकी है, इनको बेटा नहीं है। बस ये आंटी चाहती है कि इनकी जैसे चाहे आप लोग मदद दे सकते हैं। खुदा हाफिज़, जय हिंद।